अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का पेपर लिटरेसी डिपार्टमेंट में, जो कि हुआ था 9 अक्टूबर 2021 को, और इसका जो जीके पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन एजे के ऑन विच रिवर? तो जेहलम इसका राइट आंसर है। प्लेस दिस बुक डैश द टेबल, तो यहां पे प्रपोजिशन आनी थी ऑन। क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो नर्वस सिस्टम इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंडफादर ऑफ बोरिस जॉनसन, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, तो उनके ग्रैंडफादर का क्या नाम था? अली किमाल। इन 1941 अटलांटिक एक्ट साइंड बिटवीन चर्चिल एंड रॉजवॉल्ट? अगस्त ऑफर मेड इन विच ईयर? 1940। मलाला यूसुफजई गॉट नोबेल प्राइज इन विच ईयर? तो इसका राइट आंसर था 2014, लेकिन 2014 की ऑप्शन ही थी, इस वजह से पेपर में जो उसका राइट आंसर बनता था नन ऑफ दीज बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम मैरी क्यूरी गॉट नोबेल प्राइज इन 1903 इन विच कैटेगरी? तो फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था, और वो किस साल में मिला था? 1903 में, और 1911 में भी उनको मिला था, वो केमिस्ट्री की फील्ड में मिला था। फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल 2018-2019 बाय असद उमर। डिप्लोमेसी बुक रिटन बाय हेनरी किसिंगर? डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी? तो यहां पे आना था लुकअप। इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्मॉल करंट? तो इसका राइट आंसर बनता था गैल्वेनोमीटर। नेशनलिटी ऑफ माइकल एंजेलो, जो पेंटर थे, फेमस पेंटर, उनकी नेशनलिटी क्या थी? इटालियन थे वो। ड्यूड का सिनोनियम बताना था, तो इसका राइट आंसर बनता था डिसप्रूव, मतलब तरदीद करना। इन एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ पेज इज पोर्ट्रेट? तुर्की ब्लेम्ड ऑन विच पर्सन द डेथ ऑफ जमाल खुशकजी? तो सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसका राइट आंसर है। थर्डली, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप स्टॉप्स ड्यू टू कतर? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्को दीवाने सॉन्ग बाय, तो ये सॉन्ग जो है गाया था नाजिया हसन ने। जो आपके माइंड में डिस्को दीवाने वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, वो नहीं पूछा इन्होंने। सेलेक्ट द सिमिलर वर्ड, क्रिकेट इज टू पिच एंड बॉक्सिंग इज टू रिंग। नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड इन विच ईयर? 11th ऑफ अगस्त 1947। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच ईयर? 1926। ईरानियन पर्सन फाउंडेड खैरपुर सिटी इन 1783? तो मीर सोहराब खान इसका राइट आंसर। डिस्क्रिमिनेशन इज बेटर पार्ट ऑफ वैलोर, हियर वैलोर इज अ नाउन। रॉबिन इज टू बर्ड एंड बी इज टू हिव। रॉबिन कहते हैं जो चिड़िया का घोंसला नहीं, उसे कहते हैं रॉबिन। और बी इज टू हिव, हिव मतलब छत्ता, जिसे पंजाबी में कहते हैं, ये शहद की जो मक्खियाँ जो हैं जहाँ पे शहद बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशो 3 इज इक्वल टू 4:5, सी रेशो डी इज इक्वल टू 5:9, देन ए रेशो डी इज 8:27 इसका राइट आंसर है, और मैंने सोल्यूशन दे दिया। स्नेक इज अ सिंबल ऑफ मेडिसिन, आपने चेक किया होगा जब WHO का जो लोगो है उस पर भी स्नेक ही बना, तो मेडिसिन इसका राइट आंसर। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेट्स गो एंड प्ले डैश बास्केटबॉल, तो यहाँ पे नो आर्टिकल यूज, कोई आर्टिकल यूज नहीं था। अगला पार्ट जो है वो उर्दू का, तो ऐसा शेर जिसके 6 मिसरे हों तो क्या कहलाता है? मुसद्दस। और ऐसा शेर जिसमें जो है ना 4 मिसरे हों वो कहलाता है रुबाई। जिससे किसी चीज़ को तशबीह दी जाए वो क्या कहलाता है? मुशब्बा।
साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कब रखी गई? 1875। गडरिया किसकी तसनीफ है? इश्फाक अहमद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हुस्ना का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरह मायदा में। उर्दू की आखिरी किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? इब्न इंशा। तो दुरुस्त फिक्रा जो है ना, इसमें जो है ना हमने ढूंढना था, तो बी ऑप्शन में आपका शुक्र, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पे ना फर्स्ट पे आना था, तो ये गलती से एंड पे लिखा। क्लासिकल और जदीद शायरी का संगम किसे कहते हैं? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को। गालिब का जुमला कंप्लीट करें, खाम खारी में कोई डैश करेगा सही। हाउ मैनी ज्यूज वर किल्ड इन होलोकॉस्ट? तो होलोकॉस्ट में कितने ज्यूज मारे गए थे? 6 मिलियन। विच एनिमल्स यूज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस? रेप्टाइल्स। और ये आज की वीडियो थी। बाकी असिस्टेंट का जो पेपर है 7K, जिसका केस नंबर है, वो भी आज हम रात को अपलोड कर देंगे। और बाकी जो कल 2 बड़े पेपर्स होने जा रहे हैं, उर्दू मेल और फीमेल, इंशाल्लाह वो भी हम अपलोड कर देंगे। बाकी इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन भी जैसे ही कंपाइल होते हैं, इंशाल्लाह ताला वो अपलोड कर दिए जाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ़ी मानिए।